सर्दी का मौसम शुरू होते ही गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। डेरा सच्चा सौदा ने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इन जरूरतमंद लोगों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे 135 मानवता भलाई कार्यों में से एक कार्य क्लॉथ बैंक के तहत आज दिल्ली की साथ संगत जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित कर रही है। सर्दी का मौसम आ गया है, ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठंड का सामना ना करना पड़े, इसी उद्देश्य से आज वस्त्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें जर्सी, जुराब, जूते, टोपी, अन्य सामान है। दिल्ली के भंगीदास ने बताया कि मुझे हुजूर पिता डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पावन वचन अनुसार पिछले सप्ताह दिल्ली की सात संगत ने 130 परिवारों को कंबल और राशन देकर मदद की थी। इसी क्रम में समय समय पर सेवादार मानवता भलाई के कार्य करते रहते हैं, जैसे कोरोना काल के समय में लोगों को राशन उपलब्ध करवाना और अब डेंगू के चलते खून दान करना, मरणोपरांत शरीर दान, आंखें दान, ऐसे कई कार्य दरबार की सात संगत करती रहती है। दिल्ली के 45 मेंबर ने बताया कि दिसंबर महीना परमार्थी महीने के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज दिल्ली भर में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। लिहाजा आज आयोजित किए गए कार्यक्रम के तहत 500 परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जो आज हमारे यहाँ जो सहायता जो बांटी जा रही है, जो सेवा का काम चल रहा है, उसमें आप सब आए हैं, हम आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये जो मानवता भलाई के काम अपने पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी द्वारा चलाए हुए हैं, जो कि 136 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, और ये हर सीजन में, हर मौसम में, हर तरह की सेवा चलती रहती है। लेकिन खासकर जो अपने दूसरे पातशाही पूजनीय सतनाम सिंह जी महाराज का जो दिसंबर महीने में जिन्होंने शरीर बदला था, ये मुर्शिद की याद में मनाया जाता है। और ये पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए ही मनाते हैं। इस दिन हम पूरे महीने ही चलता है ये प्रोग्राम। ये जो अति गरीब हैं उनको ये दिया जाता है, सर्दी का सामान, जाकेट है, कोट है, कंबल है, जूते हैं, ये सभी तरह के मतलब जो यूज होने वाले सामान हैं, ये 500 परिवारों को आज दे रहे हैं और ये कंटिन्यू पूरे महीना चलेगा। हमने आप देख ही रहे हो सब ये सारे इकट्ठे करते हैं। जो सस्त नाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स है, जो गुरुजी ने इसी काम के लिए बनाई गई है कि कहीं भी कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई भी ऐसा काम होता है तो मानवता की सेवा के लिए ही ये काम करते हैं, और उसी के तहत चलते हुए जो हमारे 136 मानवता भलाई के कार्य जो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने चलाए हुए हैं, उनमें से ये भी एक हमने ये क्लॉथ बैंक इसे कहते हैं, ये कपड़े इकट्ठे करते हैं, वैसे भी बांटते हैं सर्दियों में जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पुराना कपड़ा घिसा पिटा कोई नहीं देते, ये बल्कि नए हैं। और जो सारे साथ संगत जो भी ऐसे कपड़े होते हैं जो पहनने लायक होते हैं, कोई छोटा हो जाता है तो उसको भी दिया जाता है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा में महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, जो काम पुरुष करते हैं वो भी महिलाएं भी करती हैं। इसमें जो डेरा सच्चा सौदा का जो मोटिव है, जो उसका कार्य है, वो मेन है मानवता की सेवा करना, तो उसमें महिला पुरुष का तो कोई भी रोल है ही नहीं। हम भी यहाँ पे लोगों को, जरूरतमंदों को जैकेट की, तो आज 500 परिवारों को हम भी कपड़े बांटने वाले हैं, जिसमें 5 तरह के आइटम होंगे, तो इसमें महिला पुरुष का कोई मेन वो नहीं है, दोनों ही। आपको भी पता होगा कि भारत को पुरुष प्रधान जाना जाता है, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, उस टाइम से ही महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, किसी ने भी महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए कोई कोशिश नहीं की है। आज के टाइम में जो बाबा राम रहीम है, वो इतने ज़्यादा वेलफेयर वर्क्स हैं, जो 136 है उसमें से 50% जो कार्य हैं वो सिर्फ महिला विकास के लिए किए जाते हैं, जिसमें जो विधवा है उनके लिए घर बनाकर दिया जाता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहकर खुद ही कमाएं, और सिलाई सेंटर भी होते हैं लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस का भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है। जो एसिड अटैक में लड़कियाँ हैं जिन पर शरीर पूरा ख़राब हो जाता, आत्म जो एक आइडेंटिटी होती है जिसके ऊपर उसका आत्मविश्वास होता है, उसके लिए भी डेरा सच्चा ने एक स्किन बैंक चलाया, जहां से वो अपना आत्मविश्वास दोबारा ले सकती हैं नई स्किन के द्वारा। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।